नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 16 संस्कारों में से प्रमुख माने जाने वाले गर्भ संस्कार और गर्भ संस्कार के माध्यम से आज के समय में आप लोग इच्छित संतान की प्राप्ति किस तरह कर सकते हो, वो विषय के ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इसके अंदर शास्त्र में जो भी बातें छुपी हुई है वो बहुत कम आप लोगों तक पहुंची है। क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में लोग ये सब सनातन धर्म, सनातन सत्य को भूल जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद, हमारा ज्योतिष शास्त्र, ये इतने पावरफुल है कि इनके अंदर सभी चीज़ों का निराकरण, सभी चीज़ों का ज्ञान दिया गया है। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हो कि मेंटली और फिजिकल रिटायर्ड चाइल्ड्स का जन्म हो रहा है, इजीली कंसीविंग नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पुरुष बीज स्त्री बीज में परेशानी आ रही है। तो ये सब क्या है, इसमें क्या हमारा शास्त्र हमको मदद कर सकता है, ये सभी प्रश्नों के जवाब इसके अंदर मैं देने का आपको प्रयास करूंगा, आपको समझा रहा हूँ। तो पहले समझते हैं कि हर एक मनुष्य का इस दुनिया के ऊपर जब जन्म होता है तो वो अपने पितृ ऋण की पूर्ति के लिए शादी करता है, और शादी के बाद वो एक अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए, अपना ऋण उतारने के लिए, संतान के लिए भी वो प्लानिंग करता है। तो ये विषय की गहराई को हम समझ रहे हैं। अभी हम मेन सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो जब भी कोई भी दंपति सोच रहे हैं कि अभी उनको संतान के लिए प्लानिंग करना है, उससे एक महीने पूर्व उन दोनों को सात्विक जीवन जीना है, खाना भी सात्विक खाना है, नॉनवेज ड्रिंक या बाहर घूमना फिरना, मूवीज वगैरह चीज़ों से उनको दूर रहना है, और हो सके तो आने वाले एक महीने तक उनको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। जब उन्होंने सोचा है, वो निर्धारण समय आता है, तो अभी वो समय को कैसे सिलेक्ट करना है, तो हमारा शास्त्र आपको इच्छित कन्या रत्न चाहिए या पुत्र रत्न, इसमें भी इन्होंने बहुत ही अच्छे खुलासे किए हैं। लेकिन विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो का मेरा उद्देश्य हमारी भारतीय ऋषि परंपरा में जो सत्य है वही आप लोगों के सामने उजागर करना है। मेरा कोई भी जेंडर को प्रमोट करना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, और मैं ये जो भी बातें बता रहा हूँ वो हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों और शास्त्र में जो उल्लेख है उसी विषय के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब निर्णय किस तरह करना है, तो जिस दिन लड़की मासिक में बैठती है, यानी कि उसका जो मंथली साइकिल होता है, उसका जो पहला दिन है, वो दिन और समय उसको नोट कर लेना चाहिए, और नेक्स्ट डे वही समय से वो 24 आवर्स का टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई भी लेडी 10 तारीख को पीडियर्स में सुबह के 11 बजे स्टार्ट होता है, तो 11 तारीख को सुबह 11 बजे तक 24 आवर्स होता है, तो वो पूरा दिन 24 आवर्स का एक दिन माना जाएगा। क्योंकि आगे की गणना में ये आपको जरूर पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ। अभी आपको स्वर विज्ञान भी थोड़ा समझना पड़ेगा। स्वर शास्त्र ये कहता है, स्वर शास्त्र के रचयिता
सदाशिव और माता पार्वती थे, उन्होंने अपने चर्चा के दौरान ही स्वर विज्ञान की रचना की थी। तो स्वर शास्त्र ये कहता है कि जब भी पुरुष का सूर्य स्वर चलता है तो उसके अंदर यानी कि उसकी पिंगला नाड़ी चलती है, राइट साइड से ब्रीदिंग लेते हैं। जैसे आप अपने राइट साइड से, अभी मेरा जो राइट है वो ये पोर्शन है और आपको अंदर उल्टा दिख रहा हो, तो मेरे राइट साइड से ब्रीदिंग इन आउट होती है तो मेरा सूर्य स्वर चलेगा। इस तरह से आपका भी जो स्वर है, जब भी आप प्लानिंग करते हो, अपनी पत्नी से मिलते हो, उस समय अगर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है तो दोनों का सूर्य स्वर चलना जरूरी है। अच्छी स्त्री संतान चाहिए तो आपको अपना चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट साइड से दोनों का ब्रीदिंग चलना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है स्वर विज्ञान, आप डॉक्टर विजय सोलंकी स्वर विज्ञान के सर्च करके उसके अंदर मैंने ये विस्तार से बताया है कि किस तरह आप अपना स्वर भी बदल सकते हैं। तो मासिक चक्र की जो भी बेकी यानी कि इवन डेज होते हैं उस दौरान अगर पति पत्नी मिलते हैं तो उसके अंदर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र का कहना है। और आप ऑड दिन ऑड डेज यानी कि एक ही दिन में मिलते हो तो आपको स्त्री संतान की प्राप्ति होती है। अभी मैं उसको विस्तार से बता रहा हूँ कि जैसे कि रजो दर्शन से फोर्थ रात्रि को अगर सूर्य स्वर में दंपति मिलते हैं तो उनको अल्पायु पुत्र की प्राप्ति होती है। छठे दिन उसको वंश को बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त होता है। आठवें दिन उसको सामान्य गुण वाला पुत्र की प्राप्ति होती है। दसवें दिन उनको ऐश्वर्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। बारहवें दिन उनको धनवान पुत्र की प्राप्ति होती है। चौदहवें दिन यानी कि 14th दिन उनको धार्मिक पुत्र प्राप्त होता है। और 16 दिन जो होता है, 16वां दिन मासिक चक्र की शुरुआत से 16वां दिन, उसके अंदर विद्वान पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन उस समय दोनों का स्वर सूर्य स्वर चलना चाहिए यानी कि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। उसी तरह अगर आप एक ही दिन यानी कि ऑड डेज पसंद करते हो, जैसे कि पांचवी रात्रि तो अल्पायु पुत्री, छठी सातवीं रात्रि वंध्या पुत्री, नौवीं रात्रि सुंदर राजकुमारी के समान कन्या रत्न, ग्यारहवीं रात्रि अपने कुल का नाश करने वाली कन्या की प्राप्ति, तेरहवीं रात्रि 13th आपको पापी कन्या की प्राप्ति होती है, और 15वीं रात्रि आपको लक्ष्मी के समान दिव्य कन्या की प्राप्ति होती है। उस समय आप लोगों का जो स्वर है वो चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट साइड से आप दोनों का ब्रीदिंग चलना चाहिए। ये हो गया स्वर विज्ञान। और आप का जो शास्त्र ने जो बताया कि किस रात्रि को किस तरह मिलने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या पुत्र की, ये विषय को मैंने यहाँ पे समझाया। अभी जब एक महीने पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट के मंत्र जाप करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, और कंसीविंग के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी पूरे 9 महीने तक माता को ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह का वो संतान चाहते हैं उस तरह का उनको वांछन करना चाहिए। जैसे कि
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप महाभारत रामायण या अपने धर्म के ग्रंथ ही पढ़िए, आप कोई भी ग्रंथ, कोई भी अच्छी अच्छी बुक्स जैसे कि माइंड पावर की बुक्स पढ़िए, चाणक्य नीति पढ़िए, अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स की बुक पढ़िए, या आपको अपने बच्चों को जिस तरह आपको प्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि ये 9 महीने ही अच्छे तरह प्रोग्रामिंग का बेस्ट समय माना जाता है। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, संतान जन्म होने के बाद जैसे ही वैकेशन हुआ, नहीं ये क्लास वो क्लास, पूरे बस एक कंपटीशन जैसा हो गया है कि मेरा ये डांसिंग में जा रहा है, मेरी लड़की इसमें जा रही है। तो ये सब जो प्रोग्रामिंग है आप ये 9 महीने के दौरान ही कर सकते हो। और महाभारत के अंदर जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ था तो उसकी माता उत्तरा जब अर्जुन उनको समझा रहे थे कि चक्रव्यूह क्या होता है, तो उत्तरा वो सुनते सुनते चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही गर्भ में रहा अभिमन्यु सुन पाया था। उसके बाद माता सो गई थी तो अभिमन्यु आगे का चक्रव्यूह का जो ज्ञान है उसको नहीं मिल पाया। तो हमारे शास्त्र भी इन बातों का समर्थन करते हैं। तो आप चाहे जितने भी मॉडर्न हो, आप क्यों ना हमारे शास्त्र का बेनिफिट लो। इसमें आपको कोई पैसा तो खर्च करना नहीं है, पर आप विद्वान व्यक्ति से कंसल्ट करके आपको जो मैंने विषय के बारे में जानकारी दी है उस संबंधी आप आगे बढ़ सकते हो, अपने इच्छित संतान को प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हो। और उसके लिए कुछ खाने पीने की भी चीज़ें होती है कि आपको कौन से चीज़ खानी चाहिए, क्या है, वो विषय बहुत लंबा है। और यहाँ पे जो एज ए ज्योतिष, क्योंकि मैं डॉक्टर विजय सोलंकी ज्योतिष आचार्य, वास्तु कंसल्टेंट और अरोमा थेरापिस्ट, मेरा उद्देश्य आपको शास्त्र की ये जानकारी देना था। पर आप इसको फॉलो कीजिए और अपने इच्छित संतान की प्राप्ति की तरफ अग्रसर बढ़िए। और आगे अगर कोई भी माता या बहन प्रेग्नेंट है तो एस्ट्रोलॉजी संबंधी वो हर एक माह के अनुसार वो ग्रह के मंत्र भी कर सकती है। जैसे कि गर्भ निर्धारण होने के प्रथम मंथ के अंदर, प्रथम मंथ का लॉर्ड होता है शुक्र, तो वो शुक्र के मंत्र कर सकती है। सेकंड मंथ का लॉर्ड मंगल, थर्ड मंथ गुरु, फोर्थ सूर्य, फिफ्थ चंद्र, सिक्स शनि, सेवंथ बुध, एट चंद्र और लास्ट मंथ नौवां मंथ का अधिपति सूर्य होता है। तो आप इनके भी तांत्रिक मंत्र गर्भावस्था के दौरान कर सकते हो। और एक चीज़ लास्ट में मैं बताता हूँ कि गर्भाधान के 9 महीने के दौरान हर एक माता बेटी और बहन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक कार्य के प्रति कॉन्शियस रहना है, जागृत रहना है, क्योंकि आप जो सोचोगे, जो खाओगे, जो करोगे, उसका प्रिंट, ब्लूप्रिंट आपके बच्चे के ऊपर वो छपता है। तो ये आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। मैं आशा रखता हूँ कि मैंने जो ये जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। इस संबंधी आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सशुल्क मुझे संपर्क कर सकते हो। कुंडली के आधार के ऊपर भी, पति पत्नी की कुंडली के आधार के ऊपर भी हम आधान अध्ययन के द्वारा मिलने का समय निकाल सकते हैं, उस दिशा में सोच सकते हैं। और ये जो जानकारी है वो शास्त्र के सनातन ग्रंथों में लिखी जानकारी मैंने आपको बताई है। मैं आशा रखता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार, थैंक यू।